हे गाइस, तो स्वागत है आपका कैप्टन बीटू के चैनल में, जहां आज हम बात करने वाले हैं ब्लैक पैंथर वाकांडा फॉरएवर के एंडिंग एंड मिड क्रेडिट सीन के बारे में। इसलिए अगर आपने अभी तक मूवी नहीं देखी है तो वीडियो को यहीं रोक दीजिएगा ताकि आप स्पॉइलर से बच सके। सो वाकांडा फॉरएवर की एंडिंग मार्वल के 3 प्रोजेक्ट्स के लिए रास्ता बुनती है, जिसमें से सबसे पहला वाला कन्यू तो बहुत समय से रखा जा रहा है, मतलब कि यंग एवेंजर्स। मूवी के अंदर टचाला को रिकास्ट ना करते हुए उसको इतने अच्छे से ट्रिब्यूट दिया गया है कि हम लोग बहुत ही ज्यादा इमोशनली उसमें इन्वेस्टेड हो गए थे। और उसके मेंटल को पास ऑन करने के लिए उसके बेटे को भी इंट्रोड्यूस करा दिया गया, जो कि आगे जाके उसके ही जैसा ब्लैक पैंथर या वाकांडा को रिप्रेजेंट करने वाला कोई सुपर हीरो बनेगा। भले ही शूरी अब ब्लैक पैंथर है, लेकिन वो यंग एवेंजर्स में फिट नहीं बैठेगी, बल्कि वो न्यू एवेंजर्स में फिट बैठेगी। इसीलिए यंग एवेंजर्स के लिए वाकांडा से ये बच्चा बिल्कुल परफेक्ट कैंडिडेट है। आई नो यंग एवेंजर्स की टीम में मोस्टली टीनेजर्स है, बट ये बच्चा एक्सेप्शन हो सकता है क्योंकि ये टचाला का बेटा है। एनिमेटेड मूवी में ब्लैक पैंथर एंड स्टॉर्म का जो बेटा अजार होता है, जिसके पास ब्लैक पैंथर की एबिलिटीज के अलावा स्टॉर्म के पावर्स भी रहते हैं, तो हो सकता है कि भले ही इसके पास स्टॉर्म के जैसे पावर्स ना हो, बट ये अपने डैड के जैसे ही सुपर ह्यूमन एबिलिटीज रखता है, जो कि उसको एक सुपर सोल्जर जैसा बनाता है, जो कि आगे जाकर हमें दिखाया जाए। वांडा के बच्चे भी इसी सेम एज के हैं, तो शायद तक उनको साथ में जोड़ा जाए, क्योंकि ये तीनों ही मिस्टिकल पावर्स से जुड़े हुए हैं। वाकांडा से कोई ना कोई होना चाहिए यंग एवेंजर्स में, जिसको फिल करने के लिए टचाला जूनियर आ सकता है। वहीं बात करें अगली मूवी की, जिसको वाकांडा फॉरएवर की एंडिंग सेट करती है, वो है थंडरबोल्ट्स। क्योंकि हमने देखा कि वेल सीआई की अब माय बाप मतलब कि डायरेक्टर बन चुकी है, प्लस जो कॉन्सेप्ट आर्ट सामने आया था उसमें जो उसका लुक था, वो बिल्कुल हमें वाकांडा फॉरएवर में देखने को मिला, जिससे ऐसा ही लगता है कि थंडरबोल्ट्स का अगला मिशन वाकांडा के अगेंस्ट कुछ होगा, विच एक्सप्लेन कि क्यों थंडरबोल्ट्स में सिर्फ सुपर सोल्जर्स एंड स्किल्स फाइटर है। घोस्ट को अगर साइड कर दे तो थंडरबोल्ट उतनी कैपेबल भी नहीं लगती है कि किसी बड़े थ्रेट से डील कर सके, तो आई थंडरबोल्ट्स कोवर्ट मिशन पर ही शायद तक जाएंगे, और यही चीज हमें थंडरबोल्ट मूवी के अंदर देखने को मिलेगा। बाकी के होने से वाकांडा में इजी इन एंड आउट का टिकट तो मिल जाता है, बट आगे के लिए टीम लगेगी, जिसके लिए आप इस फौज को देख रहे हैं। आई थिंक थंडरबोल्ट मूवी का पॉइंट सिर्फ ये होगा कि तालोकान के बारे में वेल को पता चले, जिसके बाद से वो नेमोर के साथ हाथ मिलाए, ताकि थंडरबोल्ट्स में एक दमदार कैरेक्टर आए, क्योंकि नेमोर काफी वैल्यूएबल कैरेक्टर है। अगर नेमोर हाथ नहीं भी मिलाता है वेल के साथ, तो अटूमा या नमोरा वेल का साइड ले सकती है, क्योंकि ये दोनों कैरेक्टर्स तालोकान के ऐसे हैं जो कि नेमोर के मात का बदला लेने एंड तालोकान की शान को वापस लाने के लिए वाकांडा को गिरते हुए देखना चाहते हैं, जिसके लिए अगर उन्हें सरफेस लोगों से हाथ मिलाना पड़े तो वो भी करेंगे। सो हो सकता है कि थंडरबोल्ट मूवी का मकसद ही सिर्फ ये हो कि उनको वाइब्रेनियम लाना है, ताकि यूनाइटेड स्टेट्स पहले के जैसे पावरफुल हो सके। रीरी विलियम्स के आगे की कहानी तो हमें आयरन हार्ट में कंटिन्यू होते हुए दिखेगी, जिसमें हमें ये पता चलेगा कि उसे आयरन हार्ट नाम कैसे मिला, जिसको इस मूवी के अंदर भी टीज कर दिया गया उस हार्ट वाले सिंबल को दिखा के। इसके अलावा हमें ये भी पता है कि उस सीरीज के अंदर हमें मैजिक वर्सेस साइंस देखने को मिलेगा, क्योंकि जितने रूमर्स आ रहे हैं उनके अकॉर्डिंग रीरी विलियम्स मैजिक रिलेटेड विलन से डील करेगी। मिडनाइट एंजल्स के भी शोज की बात आ रही थी, एंड वाकांडा फॉरएवर के बाद तो मैं उसके लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूं। मैं यहां पे 3 पॉसिबिलिटी बोल के 4 पॉसिबिलिटी बता चुका हूं, एंड सोच रहा हूं पांचवा भी बता ही देता हूं, जो कि ये है कि नेमोर प्रेजेंटली एमसीयू में बिल्कुल लोकी के जैसा कैरेक्टर है, जिसको अच्छे एंड बुरे दोनों रोल में यूज किया जा सकता है, एंड इसीलिए मैं उसके फ्यूचर के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूं। आज के वीडियो में तो बात टू द पॉइंट रखी गई है, एंड मैं इन डेप्थ नहीं जा रहा, क्योंकि वाकांडा फॉरएवर हैड मी इमोशनली। शुरू से लेकर अंत तक जो इंपैक्ट रहा, वो बहुत समय बाद महसूस हुआ है, एंड आई थिंक कि ऐसा तब होता है जब आप किसी कैरेक्टर से इतने ज्यादा कनेक्ट हो गए हो। सो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। आई होप आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो और यहाँ से कुछ इन्फॉर्मेटिव पता चला हो। अगर ऐसा है तो लॉन्ग लिव द किंग कमेंट कर दीजिएगा, या फिर जस्ट वाकांडा फॉरएवर लिख दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड।